गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरे वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे। आइए, आज से मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ एनटीपीसी ग्रुप डी जेई आदि से आने वाले जो प्रश्न हैं वो किस तरह रहेंगे और किस तरह से उसको डील करना है, आज से मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगा। आज है पार्ट वन और इसी तरह मैं लगातार वीडियो आप लोग के लिए लाते रहूंगा और उम्मीद है कि आप लोग अगला जो एग्जाम होगा उसमें जरूर आप रिजल्ट देंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और मैं प्रतिदिन जो है मिसलेनियस क्वेश्चन लाऊंगा और आप लोग जरूर से समझें और जरूर से जरूर बनाने का प्रयास करें और रिजल्ट जरूर से जरूर दें। आइए बात करते हैं पहला क्वेश्चन, विषम को चुने। ये प्रश्न है, इसमें आपको विषम चुनना है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं चार जो है ऑप्शन दिया हुआ इस तरह का, और उसमें आपको चुन करके बताना कौन सा आंसर होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे टी पलट गया है, उल्टा हो गया है, भी आपका पलट गया है, ए भी पलट गया, लेकिन एन का एन ही है, यानी ये नहीं पलटा, यानी ये विषम हो गया। ये है आपका सी में, यानी आप सी में देखिए किस ऑप्शन में है, तो एक नंबर ऑप्शन में सी है, यानी आपका आंसर एक नंबर हो गया। ठीक है, समझ पाए दोस्तों ये कैसे बनाए? देखिए यहाँ पे पलट गया है, एकदम आसान क्वेश्चन था। बस आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन जैसा भी आए बस समझिए और तुरंत उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाइए और तुरंत आंसर दीजिए। देखिए आपका रिजल्ट होना है। चलिए बात कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ऑप्शन है भार, द्रव्यमान, आकृति और चाल। तो इस तरह के प्रश्न जानते हैं कि जब तक किसी पिंड पर संतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। भार में नहीं होता है, न द्रव्यमान में होता है और न ही आकृति में। जैसे हम असंतुलित बल दिए तो क्या होगा? चाल में परिवर्तन होगा। क्या होगा? चाल में। तो इसका आंसर होगा चाल। निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लेटिन से लिया गया है? एल्यूमिनियम, क्लोरीन, कार्बन और आयरन। चूंकि ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है तो मैं केमिस्ट्री का टीचर भी हूँ और मैं बतलाना चाहता हूँ कि लेटिन से रिलेटेड जितना भी आया हुआ तत्व का रासायनिक नाम वो आप जरूर देख लें। जैसे आयरन है आपका, तांबा है आपका, बहुत सारा, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब लेटिन वर्ड से आया। जैसे सोडियम का नेट्रियम होता है, एने से लिया गया है। उसके बाद पोटेशियम का कैलियम से लिया गया, आयरन का फेरम से लिया गया। जैसे यहाँ पे एल्युमिनियम का एल, कोई लेटिन वर्ड से नहीं आया है। क्लोरीन का सी ए सी एल, कोई लेटिन वर्ड से नहीं आया। कार्बन का आपका सी, कोई लेटिन वर्ड से नहीं। लेकिन आयरन, आयरन का होता है आई आर ओ एन, लेकिन ये आयरन का जो संकेत होता है एफ ई, और वो होता है फेरम, यानी एफ ई जो लेटिन वर्ड है, फेरम जो एक लेटिन वर्ड है, आयरन का लिया गया है। इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। तो यहाँ पे आप नहीं भी पढ़े हैं तो अपने दिमाग का यूज कर करके आप ऑप्शन छांटिए और आंसर बताइए। ठीक है, हमेशा घबराने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में जब बना रहा था तो मैं आप लोग को बता रहा था, तो मेरा वीडियो लगातार देखिए और इंजॉय कीजिए, और जरूर जरूर मैं एक प्रश्न दूंगा उसका आंसर भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जबकि इसकी शीर्ष क्रमशः 1, 2, -4, -3 एवं 4, 1 है? ऑप्शन है 7, 10, 14, 20। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले भुजा जानना होगा, लेकिन अगर भुजा नहीं भी जानते हैं तो शीर्ष जब दिया रहे तो एक सूत्र जानते हैं, फॉर्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 (y2 - y3) + x2 (y3 - y1) + x3 (y1 - y2) और ये पहला कहलाता है x1। किसी भी जो इसका जो निर्देशांक होता है, पहला वाला कहलाता है x, दूसरा कहलाता वाई। तो पहला है तो इसलिए x1 y1, दूसरा हो जाएगा x2 y2 और तीसरा हो जाएगा x3 y3। और उस वैल्यू को क्या कर दीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए। अब पुट करने के बाद इसको जब सॉल्व कीजिएगा तब आएगा आपका 10। ऑप्शन नंबर बी में आंसर है। ठीक है, सॉल्व कर पाइएगा? बिल्कुल कर पाइएगा, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दो इनलेट पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 22 और 33 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ खोला गया है लेकिन टंकी को भरने से पहले 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया। टंकी को भरने में दोनों पाइपों द्वारा कुल कितने घंटे लगेंगे? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में रहता है, जानते ही है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, ए और बी का मान यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए ए कितना भरता 22 घंटे और बी कितना में भरता 33 घंटे,
और क्या बोला कि ये जो है 3 घंटा पहले पहले ही पाइप को बंद कर दिया गया, तो हम मान लेते हैं पूरा कुल घंटा लगा एक्स घंटा, लेकिन ये कितना चला 3 घंटा पहले बंद कर दिया, तो ये चला कितना एक्स माइनस 3, और ये पूरा चला बी को बंद नहीं किया गया, तो इसका मतलब पूरा एक्स चला, और बस दोनों मिलकर के क्या कर दिया, काम पूरा कर दिया। बस सॉल्व कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 15 घंटा। सॉल्व कीजिए देख करके एक बार, पहले इसको डाटा बैठाइए पहले खुद, और उसके बाद सॉल्व कीजिए, अगर नहीं आया तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, और अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बताइए, मैं आप लोग को अगले वीडियो में अच्छे से कोशिश करूंगा समझाने का, ठीक है। तो एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग के लिए होमवर्क रहा, और इसका आंसर बताइएगा कि कौन सा निष्कर्ष फॉलो करता है। पहला कथन दिया हुआ है, सभी पंखुड़ियां फूल है, सभी पंखुड़ियां पीली है, सभी पीले फूल है, और निष्कर्ष दिया हुआ है एक, सभी फूल पीले हैं और सभी पीले पंखुड़ियां हैं। कौन सा निष्कर्ष फॉलो करता है कमेंट करके जरूर बताएं, या फॉलो नहीं करता वो भी जरूर बताएं। तो ठीक है, आज का वीडियो कैसा लगा और क्या सीखे जरूर से जरूर कमेंट करें, और अपने दोस्तों को बताएं कि विक्रम ट्यूटोरियल में एनटीपीसी से रिलेटेड वीडियो आ रहा है और वो रेगुलर आएगा, तो लगातार देखते रहे। इसी तरह मिसलेनियस क्वेश्चन आएगा, इसी पर आधारित क्वेश्चन वहाँ पे रहेगा, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, लगातार मेरे चैनल से जुड़े रहें। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद, और लगातार मेरा वीडियो आते रहेगा, तब तक लगातार जुड़े रहें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाते रहें। धन्यवाद।